अब हम लोग आएंगे पढ़ेंगे यूक्टेरियम फर्क, एक होम्योपैथिक में एक महत्वपूर्ण दवाई है जो प्राय सब जगह दरकार पड़ता है। साइनोमिया में एग्यूवीट बोलते हैं, बोनसेट भी बोलते हैं इसे। कॉम्पोजिट फैमिली की है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। लिप्स एंड टॉप ऑफ द फ्लावर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो गया यूक्टेरियम फर्क का पेशेंट का? Adapted to disease of the old people, worn out the constitution, especially from inanity, coquitia, from the prolonged or the frequent attack of various intermittent fever. Old वृद्ध पुरुषों की बीमारियों में व्यवहार किया जाता है, विशेषकर नशे के कारण। जो नशे यूज करते हैं उससे स्वास्थ्य लंबे समय तक या लगातार पित्त संबंधी या रुक रुक कर होने वाले फीवर, फीवर रुक रुक के होगा, अभी हुआ फिर छूट जाएगा, फिर होगा छूट जाएगा, अभी रुकेगा, रुक रुक के होने वाले फीवर में इसे याद करना चाहिए। क्या फिजिकल जनरल कैसे हो गए? ब्रिस फीलिंग एज इट ब्रोकन ऑल ओवर द बॉडी, समूचे शरीर में कुचल जाने की तरह का भाव, मानो कि टूट गया हो, अंग प्रत्यंग सब अलग अलग हो गया है, इसका पहचानने का एक ही तरीका है। पेन कम्स क्विकली एंड गो अवे एज ए क्विकली। देखो, देयर इज थ्री मेडिसिन, दर्द आता है और चला जाता है। एक होता है बेलोडोना, दूसरा मैकफस एंड यूक्टेरिया पिलिफेरम, एंड यूक्टेरिया पर्फिज वन ऑफ द मेडिसिन। ये तीन चार दवाई, दर्द आ रहा है जा रहा है सडनली, ये तीन चार दवाई पर ही काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बाद में टोटलिटी मिला करके फिर आगे की ओर बढ़ जाना है। दर्द जितना तेजी से आते हैं उतना तेजी से चले भी जाते हैं। बोन पेन्स अफेक्टिंग बैक, हेड, चेस्ट, लिम्स, स्पेशली इन द रिस्ट एज यू डिसलोकेटेड, द मोर जनरल एंड सीवियर बेटर बाय अडेप्टेड। हड्डियों का दर्द जिसे पीठ, सिर, छाती और अंगों में विशेष रूप से कलाई पर रहता है, मानो कि वह शरीर से अलग हो गया हो, यह दर्द जितना जोर से होता है, जितना तीव्र होता है, दवाई उतना ही ज्यादा लाभदायक होता है। सीवियरिटी पेन, पेन ज्यादा हुआ, जितना ज्यादा होगा यूक्टेरियम पर उतना बढ़िया काम करता है। हेड वर्टिगो सेंसेशन इज फॉलिंग टू द लेफ्ट, दैट इज चक्कर, ऐसा महसूस होना मानो कि बाईं ओर गिर जाएगा। लेफ्ट साइड अगर गिर रहा है, चक्कर आ रहा है, तो थिंक द यूक्टेरियम पर। और गिरने के डर से अगर वो बाएं तरफ नहीं घुमा पाता है, दैट इज द कोलोसिन। डर के मारे बाएं तरफ नहीं घुमा पाता है, दैट इज कोलोसिन। और जो बाएं तरफ में गिरने के महसूस होना, वो हो गया यूक्टेरियम पर। आईज, आईज पेनफुल एंड सॉर्नेस ऑफ द आईबॉल्स, आंखों के अंदर में अत्यधिक दर्दनाक पीड़ा, इसका भी पीड़ा वैसे आएगा जाएगा, सीवियर बहुत जोर से होगा। नोज कोरेजा एक्टिंग इन एवरी बोन, ग्रेट प्रोस्टेशन इंक्लूडिंग इंफ्लुएंजा, सर्दी जुकाम से हर हड्डी में दर्द, महामारी इंफ्लुएंजा में बहुत ज्यादा ही सुस्ती मालूम पड़ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम कफ क्रॉनिक लूज विथ हेक्टिक चेस्ट शोर, मस्ट सपोर्ट विथ हैंड्स, एग्रवेशन एट नाइट, फ्लोइंग विजिल्स और सप्रेस्ड इंटरमिटेंट्स। पुरानी दमा के साथ में, मैंने या टीबी के रोग के साथ ही, पुरानी यक्ष्मा के साथ ही ढीली खांसी, छाती में दर्द, उसे हाथों से सहारा देकर उठना पड़ता है। एग्रवेशन रात में या मिजिल्स और मलेरिया दवाई दब जाने के कारण यह बीमारी या खांसी आना, उसमें यह देखा जाता है। फीवर, फीवर के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। जब फीवर ज्यादा लग करके रात दिन में 9 बजे, वन डे एट नून एट द नेक्स्ट डे, बिटर वोमिटिंग, क्लोज चिल, ड्रिंकिंग एस्टेंस चिल एंड कॉजेस वोमिटिंग, बोन पेन्स बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, ज्वर एक दिन में प्रातः सवेरे 9 बजे ठंड लगना, अगले दिन दोपहर को ठंड लगना, ठंड लगने पर कभी उल्टी, पीने से ठंड बढ़ जाना, उल्टी होने लगती है और ठंड लगने से पहले और उसके दौरान हड्डियों में दर्द होगा, बहुत जोर बोन पेन होगा, तब जाकर के
फीवर भी आएगा। Insensible thirst before and during chill and fever. Nose chill is coming because he cannot drink enough. सर्दी या बुखार के पहले उसके बहुत जोर से प्यास लगता है और ठंड लगने वाली है क्योंकि वह पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी सकता है। जब ठंड लगेगा उस समय वो पानी नहीं पी सकता है। ठंड लगने के पहले, बुखार आने के पहले बहुत जोर प्यास लगेगा। Relation. It is followed well by Nectarmuc and Sepia. Compare Chelidonium, Podophyllum, Lycotomy in jaundice condition. Brynia is the nearest analog, having a free sweets, but pain keeps patient quiet while atrium perfusion is counting. Sweet and pains make patient restlessness. Question. What is the principle of homeopathic use of Euterium perf and its indication? कौन सा indication में कब हम Euterium perf दें? Intermittent fever, the chill commences about 7 to 9 in the morning in the back, accompanied by thirst, and there is intense itching all over the bones as if they were broken. This is followed by heat and increase of the aching, and this is by scanting and profuse sweats. समझो, intermittent fever, आज बुखार हुआ, कल नहीं हुआ, परसों हुआ, या अभी दो दो घंटा के बाद में अपने आप उतर जाता है, तो ऐसा नहीं जो हम इस कैसे मालूम पड़ेगा कि बार बार उसको क्रोसिन दे दिया चाहे एलोपैथिक मेडिसिन दे, तो पता नहीं चलेगा कि यूटेरियम पर्फ है कि नहीं है। बार बार एलोपैथिक मेडिसिन तो उतर जाएगा, फिर आ जाएगा, तो वैसे में नहीं, उसको छोड़ के अगर अपने आप आता है, अपने आप जाता है, तभी यूटेरियम पर्फ कर काम करेगा। ठीक है, Give a characteristic of the drugs in these conditions that is even more characteristic than the breakbone pain. It is the vomiting. The patient vomits water or food that has been taken or bile as the chill passes off. What would be the indication for indicator prof in influenza? इन्फ्लुएंजा के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन है, जैसे कोरोना के टाइम में भी बहुत ज़्यादा यूटेरियम पर्फ वगैरह यूज किया गया था। ग्रेट शॉर्टनेस एंड एक्टिंग ऑफ द एंटायर बॉडी, हॉर्सनेस एंड द कफ विद ग्रेट शॉर्टनेस ऑफ द लैरिंग्स एंड चेस्ट, ए ग्रेट डील ऑफ कोरेजा एंड थर्स्ट एंड ड्रिंकिंग कॉजेज वॉमिटिंग, जैसे वो पानी पीता है वैसे उल्टी हो जाती है। द कफ हर्ट्स द हेड चेस्ट एंड द पेशेंट होल्ड द चेस्ट विद द हैंड्स, मैंने जब उसका खांसी आएगा दोनों हाथ उसका चेस्ट में रहेगा, यूटेरियम पर्फ का। पॉइंट्स टू रिमेंबर, देयर इज ओनली थ्री पॉइंट्स टू रिमेंबर। इनसेंसिबल थर्स्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल एंड फीवर, बुखार आने के पहले बहुत ज्यादा प्यास होना, एकदम बिटर वॉमिटिंग होगा क्लोज टू चिल, जैसे ठंडा लगेगा वैसे उसको बहुत ज्यादा बिटर वॉमिटिंग होगा, कड़वा टाइप का। ब्रिस पेन एज ही ब्रोकन ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में कुचले जैसे कुचल रहा है कोई, जैसे उस टाइप का दर्द होगा सारे बॉडी में। क्लियर? We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.